दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कल की 2898 एडी से रिलेटेड। मैंने डे 35 तक का इसका बॉक्सेस कलेक्शन बताया है और डे 36 तक का मैं आज के इस वीडियो में बॉक्सेस कलेक्शन आपको बताऊंगा। आपने नहीं देखा है डे 35 तक का बॉक्सेस कलेक्शन तो जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पेज पे, सारा वीडियो पड़ा हुआ है और इस मूवी का मैंने रिव्यू भी किया है, वो भी देखकर देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये होगी, ये मूवी कल की 2898 एडी ओटीटी पर आ रही है, और आ रही है तो कब आ रही है और कौन से ओटीटी पर आ रही है और कितने में ओटीटी वालों ने इस मूवी को लिया है, ये भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो मूवी है ओटीटी पे आ रही है अमेजोन प्राइम पे 23 अगस्त 2024 को इसी महीने में आ रही है, और ये खुद नाग अश्विन इसके डायरेक्टर ने बोला है, अनाउंसमेंट किया है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर गूगल कर देख सकते हैं। और इसका साउथ वर्जन का अमेजोन प्राइम पे जो बुक बिका है इसका मीडिया राइट्स 200 करोड़ में इसका बिक चुका है, सेल हुआ है, साउथ वर्जन में इस मूवी का सेल हो चुका है। और ये जो मूवी है ये साउथ वर्जन का अमेजोन प्राइम पे 23 अगस्त को आ रही है 2024 में। इस मूवी का हिंदी वर्जन भी सेल हुआ है और वो हुआ है नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे आप इस मूवी का कल की 2898 एडी का हिंदी वर्जन देखेंगे, और ये रिलीज हो रही है सितंबर के महीने में, इसी साल सितंबर के महीने में। और सितंबर में कब आएगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये अपडेट नहीं आया है, और नाग अश्विन ने ये खुद अपडेट दिया है कि ये मूवी हिंदी वर्जन इसका सितंबर महीने में आएगी और ये नेटफ्लिक्स पर आएगी। और नेटफ्लिक्स वालों ने इसका हिंदी वर्जन खरीदा है 175 करोड़, तो टोटल हो चुका हिंदी और साउथ वर्जन का जो खरीदा है अमेजोन प्राइम ने और नेटफ्लिक्स ने टोटल 375 करोड़। तो 1200 करोड़ में 375 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1400-1500 करोड़ इस मूवी का कलेक्शन हो जाएगा ओटीटी मिलाकर और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिलाकर। तो दोस्तों इतना मूवी का कलेक्शन हो चुका है। और डे 36 का मैं बता दूं तो डे 36 का 1 करोड़ कलेक्शन हुआ है, जिसमें से तेलुगु लैंग्वेज का 5 लाख, तमिल का 3 लाख, हिंदी का 45 लाख, अभी भी हिंदी का बहुत ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, कनाडा का 1 लाख, मलयालम का 1 लाख। इसी के साथ डे 36 तक का टोटल कलेक्शन हो चुका है 635 करोड़, जिसमें से तेलुगु लैंग्वेज का 283 करोड़ 64 लाख, तमिल का 35 करोड़ 39 लाख, और हिंदी वर्जन का 286 करोड़ 64 लाख हो चुका है, और कनाडा का 5 करोड़ 75 लाख हो चुका है, मलयालम का 24 करोड़ 4 लाख कलेक्शन हो चुका है। टोटल डे 36 तक का लैंग्वेज वाइज मैंने आपको बताया कितना कलेक्शन हो चुका है, और जिसमें से कनाडा का बहुत ही कम 5 करोड़ 75 लाख हुआ है, तो बहुत ही कम है ये। और डे 36 तक का ही इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 755 करोड़ 30 लाख, और डे 36 का इंडिया का ओवरसीज कलेक्शन हुआ है 274 करोड़ 20 लाख, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 1200 करोड़। और जोड़ लीजिए आप इस मूवी ने कितना हाइप क्रिएट किया था और कितना ज़्यादा ये मूवी कलेक्शन की थी, वो तो जो थे नेगेटिव रिव्यू करने वाले उनके वजह से इस मूवी का ओपनिंग डे के दिन कलेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया, नहीं तो ये मूवी राजा मौली की 2 मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देती, बाहुबली 2 और RR मूवी का, दोनों का ही रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ देती ओपनिंग डे के दिन। वो तो नेगेटिव रिव्यू के कारण ये मूवी थोड़ा सा मार खा गई, नहीं तो ये बहुत ही आगे जाने वाली थी और इसका रिकॉर्ड बहुत दिनों तक कोई नहीं तोड़ पाता, ऐसी ये मूवी थी। कम से कम बॉलीवुड वालों कभी भी नहीं इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाते, क्योंकि साउथ ही मूवी रिकॉर्ड तोड़ती इस मूवी का, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं आजकल, इनका मूवी कैसा कैसा आ रहा है और ये कितना ज़्यादा नीचे डूब गए हैं, आपको पता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ था अपडेट, ये मूवी कल की 2898 एडी ओटीटी पे आ रही है अमेजोन प्राइम पे साउथ वर्जन में और नेटफ्लिक्स पे हिंदी वर्जन में, दोनों का ही मैंने आपको प्राइस बताया कितना में मूवी को खरीदा है कौन वर्जन में, ये आप सारा वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सारा अपडेट दे दिया है। और मैं ये अपना मतलब ख्याली पुलाव पका कर नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद नाग अश्विन ने खुद अनाउंसमेंट किया है, आप चाहे गूगल पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेगी किसी और चैनल के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।